नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की भर्ती निकली है, इसके लिए बच्चे पूछ रहे हैं सर इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, जो 13 लाख लिखा हुआ है सच में एक साल में 13 लाख की सैलरी हमें मिलेगी? एकदम सही है, जो लिखा हुआ है वो तो गलत नहीं होगा ना। जब नोटिफिकेशन में ही आपके लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि 13 लाख की सैलरी आपको होगी सालाना। तो कैसे आपको मिलेगी, क्या इन हैंड आपको सैलरी होगी? आखिर वो 13 लाख है तो क्या साल भर में 13 लाख हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो इन सब के बारे में आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, कितनी बेस्ट जॉब प्रोफाइल है और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इन सब पे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। बेसिकली आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग फॉर्म जरूर फिल कर लीजिएगा। जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहां से आपको पूरी सूचना दी जाएगी कि कैसे आपको तैयारी करना है। कुछ कॉमन जो पार्ट है जे इतना जान लो कि इसमें बैंक IBPS आपको कंडक्ट करा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैथ रीजनिंग इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट तो आपका आएगा ही आएगा। अब क्या होगा, प्री मेंस होगा या सिंगल फेज एग्जाम होगा, इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करेंगे। जल्द ही आपका जो नोटिफिकेशन AAI जो है आपको दे देगा कि क्या पैटर्न रहेगा, प्री मेंस होगा या सिंगल फेज एग्जाम होगा। तो ऑलमोस्ट जो आपका ये पार्ट है मैथ रीजनिंग इंग्लिश वाला, ये चीजें तो आप तैयार अपना रखते ही रहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये कॉमन कैडर में जो जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका निकला हुआ है, कई पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट का भी पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट का भी है और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर है। ये एक पोस्ट और आती है ऐसे ATC की आती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की, लेकिन इस बार कॉमन कैडर आया है। तो कॉमन कैडर का काम क्या होगा, ठीक है, इनकी पोस्टिंग क्या होती है, सैलरी क्या होती है, इनके बारे में हम लोग देख लें। तो सबसे पहली बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन आपको नहीं चाहिए, मात्र आपके पास अगर ग्रेजुएशन की डिग्री है। सिंपल सा क्या मांगा है, अगर आप ग्रेजुएट हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, रिलैक्सेशन किनको मिलेगा, अगर SC ST है तो SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है सेंट्रल में, और OBC जो है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 4/9/2023 तक आपकी एज ऐसी 27 से कम ही होना चाहिए, 27 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी रिलैक्सेशन वाले अपना देख लीजिएगा। अब बताएं ये पोस्ट कैसी है, एग्जीक्यूटिव नाम सुनने में आ रहा है तो ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है, ग्रुप बी की है, जिसकी बेसिक सैलरी आप समझ सकते हो कितनी है, 40,000 रुपया बेसिक है। अब ये जो 3% आपके PDF में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, इसका मतलब कि सालाना 3% आपका इंक्रीमेंट होगा, तो 1200, ठीक है, 1200 आपका इंक्रीमेंट होगा हर साल में, और ऐसे इंक्रीमेंट होते होते आपका बेसिक कहां तक पहुंचेगा, 1,40,000 तक पहुंचेगा, इसके बाद आप बूढ़े हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक की बात है, इसमें आपका अलाउंसेस जो जुड़ेगा वो अलग है, ठीक है। अब ये लिखा है 13 लाख CTC पर एनम आपको मिलेगा, एकदम सही बात है, इसकी जो CTC होगी वो आपकी 13 लाख का पैकेज है आपका, ठीक है, इसमें जोड़ जाड़ के कुल मिला के 13 लाख का है। लेकिन इन हैंड आपको कैसे मिलेगा ये ध्यान रखिए, कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो बेसिक सैलरी आपकी 40,000 है, कितनी है, 40,000 बेसिक है। अब सेंट्रल में जो DA है वो 42% है, तो ये DA आपका 16,800 हो जाएगा। HRA जो होगा, अगर आपकी बहुत अच्छी जगह पोस्टिंग है तो 27%, 18%, 12% ऐसे HRA मिलता है, बेसिक का मिलता है, जो भी चीज मिलेगा आपका बेसिक का मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि यहां पर 10,800 आप अच्छी जगह पोस्ट, जाहिर सी बात है AAI है तो पोस्टिंग आपको गांव में तो मिलेगा नहीं, सही जगह पे ही मिलेगा आपको जहां पे एयरपोर्ट है, ठीक है, जाहिर सी। अब यहां पर ये अलाउंसेस आपको दो दी जाती है जो और कहीं नहीं मिलती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देती है, AAI आपको देती है, इसको पर्क्स अलाउंस बोलते हैं। ये 35% आपका बेसिक का है, 14,000 आपका यही है, ठीक है, ये ध्यान, 10,800 आपका है। मेडिकल का ऑलमोस्ट सालाना 14,000 रुपया मिलता है आपको मेडिकल के लिए, सालाना 14,000। ये मैं अभी पूरा अलाउंस नहीं जोड़ा हूं, ये मैं एक जो एक तरह से बोला जाए कई और अलाउंसेस मिलते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा एक जो जोड़ लूं उसके हिसाब से आपको सैलरी बता रहा हूं।
तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट ये 4000 मेडिकल अलाउंसेस हैं। तो टोटल आपका बना 81,600 रुपया आपका बना। अब इस पे पीएफ भी कटेगा आपका, कुछ डिडक्शन भी होगा, इनकम टैक्स में भी आपका जाएगा। तो ऑलमोस्ट कटने पिटने के बाद एक अप्रोक्सीमेशन 70 से ऐसा नहीं किसी का 70, 72, 75, 76 कुछ भी हो सकता है 76,000 इन हैंड आपको मिलेगा। ठीक है, इन हैंड आपको मिलेगा। ठीक, ये ध्यान रखिए, बाकी चीजें कट पिट के तो 75-76 तक तो आपको 75K तक सैलरी मिलेगी। सोचो स्टार्टिंग 75K से आप करोगे, 70 से 75K से आप स्टार्टिंग करोगे, इससे बेटर जॉब क्या हो सकती है। और ग्रुप बी का पोस्ट भी है, ऐसा वैसा पोस्ट भी नहीं है। अब हम बात करें जिसकी एक तरह से बोला जाए वर्किंग कहां है, कहां कहां पोस्टिंग की जाती है। तो 7 डिपार्टमेंट हैं टोटल एआई में। एक एयरपोर्ट ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन में बेसिकली अलग से क्या होती है इसकी वैकेंसी निकाली जाती है उसमें आपके, लेकिन इस बार ऐसा निकाला गया तो हो सकता है कुछ बंदों को ऑपरेशन डिपार्टमेंट में भी लगा दिया जाए यहां से। ठीक है, उसके बाद से आपके एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाला होता है। सिक्योरिटी में मतलब आप पूरी जितनी भी सिक्योरिटी है एयरपोर्ट की देखे होगे, जो भी रहता है उनका मैनेजमेंट आपको, बेसिकली ये जॉब आपकी मैनेजमेंट बेसिस पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको सब संभालना है, ठीक, अपने सीनियर को रिपोर्ट करना, ऐसे चीजें हैं। फिर कॉमर्शियल एंड सेकेंडरी रेवेन्यू जनरेशन है, लैंड मैनेजमेंट, लैंड मैनेजमेंट मतलब लैंड मैनेजमेंट में जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसमें आपको रिक्रूट किया जाता है। ये इसमें क्या काम है कि जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी के आसपास की जो जमीनें हैं उसको लीज पर देना, उससे जो भी किसी को लीज को देना, ये सब चीजें जो होती, जैसे वो आसपास होटल खुले होते हैं तो उन सबको होटल को लीज पर, उनकी होटल की जमीन नहीं होती है, एआई की जमीन होती है। ठीक है, तो वो लीज पर दिया जाता है, ये ध्यान रखें। एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने आप को पूरा का पूरा एक तरह से बोला जाए कि जो पूरा पूरा एयरपोर्ट ही आपके लीज पे चले जाते हैं, तो ये सब चीजें जो है ये डिपार्टमेंट आपका संभालता है लैंड मैनेजमेंट वाला। ऐसे ही कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है, कंपनी सेक्रेटरी अफेयर्स है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होती है और बेसिकली आपके मैनेजमेंट लेवल पे ही पोस्टिंग होती है। ठीक है, आपको देखना होता है उसका, पूरी रिपोर्ट आपको सीनियर को देना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट बेसिस पे होता है पूरा एयरपोर्ट। जैसे आपको ऑपरेशन में लगा दिया गया तो ऑपरेशन में जहां जहां जहाजें आपकी खड़ी हैं उसको पूरा सुचारू रूप से चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। आपको एयरपोर्ट जो कैंपस है अंदर की पूरा मैनेजमेंट उसको आपको देखने के लिए लगा दिया, जितने सिक्योरिटीज हैं जितने स्टाफ्स हैं उनका पूरा मैनेजमेंट आपको देखने के लिए लगा दिया गया। तो ये सब चीजें बेसिकली आपके काम होते हैं, वर्क होते हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या होती है, देखो एक चीज यहां पर है, जो ऑपरेशन में जाता है उसकी थोड़ी सी शिफ्ट जॉब होती है। ठीक है, जैसे एटीसी वाले होते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, उनमें शिफ्ट जॉब चलती है। ठीक है, शिफ्ट वाइज शिफ्ट 6-6 घंटा करेंगे, फिर 12 घंटा ड्यूटी करेंगे, ऐसे होता है। लेकिन जो कॉमन कैडर में आपका रिक्रूटमेंट होगा इन डिपार्टमेंटों में, अगर ऑपरेशन को छोड़ दिया जाए बाकी डिपार्टमेंट में आपकी जो पोस्टिंग होती है, तो बेसिकली आपको 8.5 घंटे का जॉब करना होता है। ठीक है, टोटल आपकी जो जॉब टाइमिंग है 9:30 बजे सुबह आप जाओगे, 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी और मात्र 5 दिन आपको कार्य करना है, 5 डे आपकी वर्किंग है, 2 दिन आपका ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे आपका ऑफ रहता है। कहते हैं कुछ सर ये प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, देखो ये पब्लिक सेक्टर है मैक्सिमम, इसके जो अगर शेयर बात करें हम आपसे ये गवर्नमेंट के पास है एआई, तो ये आप निश्चिंत रहिए ये पूरा गवर्नमेंट जॉब है, उससे आप ये दिमाग में ना लाइए कि ये प्राइवेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी शिफ्ट जॉब नहीं है, सैटरडे संडे आपको ऑफ रहता है, मस्त मौज करिए। ठीक है, प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोशन आपका कैसे होता है, जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब ही होता है कि कार्य को देखने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिए, तो वही मैनेजमेंट वाला है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव बनते हो, फिर आप मैनेजर बनते हो, फिर सीनियर मैनेजर बनते हो, असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो, डिप्टी जनरल मैनेजर बनते हो, ज्वाइंट मैनेजर बनोगे, फिर जनरल मैनेजर बनोगे आप। ठीक है, यहां मैनेजर है सिर्फ, और फिर जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका टॉप मोस्ट पोस्ट होता है। ठीक है, तो बहुत करोगे तो कहां तक जा पाओगे। ठीक है, बहुत आओगे सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ठीक है यही तक आप जाते हो, उसके बाद से तो जाहिर सी बात है एज इतनी हो जाती है कि आपको रिटायरमेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो यही बात है, प्रमोशन एक बोला जाए कि आप में इस पद पर सबसे हेड जो होता है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये आपके प्रमोशन का हो गया। जॉब प्रोफाइल मैंने बता ही दिया, सैलरी के बारे में आपको मैंने डिस्कस कर ही दिया, रही बात कि आपको तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी आप ध्यान रखिएगा कि अभी तक तो सिलेबस और पैटर्न आपका
सिलेबस और पैटर्न आया नहीं है, लेकिन इस बात का तो कंफर्मेशन है कि आईबीपीएस आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। इससे पहले जो एटीसी का एग्जाम था वो आपका शायद हमें टीसीएस ने कराया, जो कि पेपर जो है ऑलमोस्ट टीसीएस के पैटर्न पे है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। अब आईबीपीएस करा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आईबीपीएस का पैटर्न फॉलो होगा, और लेवल भी आपका कैसा होगा अगर हम बात करें तो पीओ लेवल तक जा सकता है, ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है तो जाहिर सी बात है पीओ लेवल। अब पीओ लेवल में हो सकता है कि दो फेज में एग्जाम कराए, प्री और मेंस कराए, या आपका हो सकता है कि सिंगल फेज एग्जाम हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हो सक ये क्या होगा, लेकिन जो भी पॉसिबिलिटी है उसमें ये चीज तो आनी ही है, आपको इंग्लिश आएगी, ठीक है, आपका मैथ्स आएगा, ये तो कंफर्म है ना, रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस, ये चीजें तो कंफर्म है, चाहे सिंगल फेज हो चाहे डबल फेज हो। अब थोड़ा ये हो सकता है कि सिंगल जब प्री होगा तो इसमें से कुछ चीजें आपकी नहीं आती हैं, ठीक है, थीके? अब मेंस होगा या सिंगल फेज एग्जाम होगा तो सब पूछेगा, तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो करो, कर लो ही तैयार, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश ये चीजें तो कर ही लो तैयार, ठीक है। तो ये आप अपना पढ़ते रहिए, जो भी हो परीक्षा प्लस भी इसके लिए स्पेशल, मतलब मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश के जो है स्पेशल बैचेस है, आप वहां से भी अपना तैयार कर सकते हैं, जिसमें होल चीजें पढ़ाई गई हैं, आप वहां से स्पेशल बैच ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। तो बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरूर बताएं, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।